इस साल होली का त्यौहार 25 मार्च को है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जो कि साल का पहला चंद्रग्रहण है। ये है तो एक खगोलीय घटना, लेकिन शास्त्रों में ग्रहण को शुभ नहीं मानते। ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, यहाँ तक देवी देवताओं की पूजा के साथ में मंदिर के पट तक बंद हो जाते हैं। इस बार 25 मार्च को चंद्रग्रहण है, जिसका होली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में इसका सूतक भी नहीं लगेगा, तो चंद्रग्रहण भी नहीं माना जाएगा। हर उल्लास के साथ में होली का पर्व मनाया जाए। आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से, आखिर ऐसा क्या है इस बार। जी, 25 मार्च को होली आ रही है। 25 मार्च को होली में अपने यहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण तो रहेगा परंतु अपने यहाँ भारत में दृश्य नहीं होगा। और कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि जहाँ पर ग्रहण दृश्य न हो वहाँ पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर होली का हर्षोल्लास से त्यौहार अपने यहाँ भारत में मनाया जाएगा तथा उसमें ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ग्रहण सुबह से प्रारंभ होगा, सुबह 10 बजे से प्रारंभ का कहा गया है ग्रहण का। उसके पश्चात उसकी मुक्ति दोपहर 3 बजे होगी, जो कि अपने भारत में दृश्य न होगा और अन्य देशों में दृश्य होगा, इसलिए उसका प्रभाव भी अन्य देशों में होगा। परंतु उसी हर्षोल्लास से अपने यहाँ पर होली आदि का त्यौहार या जो होली का त्यौहार बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पर भारत में दृश्य नहीं है। तो उस भ्रांति को दूर रखें और प्रेम से भगवान का जो है कि प्रहलाद जी का ध्यान करते हुए और भगवान हरि का ध्यान करते हुए होली का उत्साह बना जाए, और इस उत्साह का बड़ा आनंद से बनाया जाएगा कि ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा भारत पर।